आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। आम आदमी पार्टी का एतमाद की तहरीक का ऐलान। जैसा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को असेंबली में एतमाद की तहरीक लाने का मुतालबा किया, बीजेपी ने उसे हुक्मरान जमात के खिलाफ बदउनवानी के इल्जाम से लोगों की तवज्जो हटाने की एक चाल करार दिया। दिल्ली असेंबली की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। असेंबली में एतमाद की तहरीक पेश करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह साबित करेगा कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया है और वो आपके किसी भी एमएलए को ख़रीदने में नाकाम रहे हैं। बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि 70 में से 62 एमएलए वाली पार्टी अपने खिलाफ तहरीक एतमाद लाएगी, फिर उसे मंजूर कराएगी, फिर मीडिया में छापेगी। हिंदुस्तानी रेलवे में मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। इस दौरान जिस रूट पर तरक्याती काम चल रहे हैं उन पर ट्रेनों का रुख मोड़ दिया जाता है या ट्रेनों को एक ख़ास वक्त के लिए मंसूख कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मानक नगर स्टेशन पर इजाफी लूप लाइन का काम जोरों पर है। इस रूट पर इंटरलॉक ना होने की वजह से ट्रेनों को बड़े पैमाने पर मंसूख कर दिया गया। इस रूट पर जाने वाली कुल 24 ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं, जबकि तकरीबन 3 दर्जन ट्रेनों का रूट तब्दील कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर सरमाई राजधानी जम्मू में पीर के रोज़ बंद के बीच वकीलों ने एहतजाजी रैली निकाली। बता दें कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बातचीत नाकाम होने के बाद वकीलों ने पीर के दिन बंद की कॉल दी है। UNI उर्दू के नामा निगार ने बताया कि जम्मू में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर अहम बाजार बंद रहे। उन्होंने बताया कि जानीपुर में जम्मू वकला की एक बड़ी तादाद ने पीर की सुबह एक एहतजाजी रैली निकाली, जिस दौरान लाउड स्पीकरों पर ऐलान किए जा रहे थे कि लोग बंद की कॉल को कामयाब बनाएं। उनके मुताबिक वकीलों ने सड़कों पर टायर भी जलाए, जिस वजह से शाहराहों पर गाड़ियों की आमद रफ्त में खलल पड़ा। जरा ने बताया कई इलाकों में वकीलों ने ज़बरदस्ती दुकानों को बंद करवाया। नामा निगार ने यह भी बताया कि पीर की सुबह से ही वकीलों की बड़ी तादाद जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नमूदार हुई और शाहराह पर बैठ कर धरना दिया। बार एसोसिएशन जम्मू ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी जायज़ मांगों को जल्द अज़ल्द पूरा किया जाए, बसूरत देकर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून में इतवार से वक्फे वक्फे से मौसलाधार बारिश की वजह से पीर की सुबह एक मकान मुनदम होने से एक कमसिन बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। मकान गिरने की इत्तला मिलते ही बचाव अमले की टीमें मौके पर पहुँच गई और मलबे से 3 लाशें निकाली गई। इलाकाई MLA और काबिनी वजीर गणेश जोशी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DM दोनों मौके पर मौजूद हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइनेंस रेवेन्यू कृष्ण कुमार मिश्रा ने बताया कि आज सुबह दिनेश का मकान राजपुर इलाके के काठ बंगला बस्ती में मुसव्वरी रोड पर शदीद बारिश की वजह से अचानक गिर गया, जिसकी वजह से उसकी 22 साल बीवी, दिनेश की बहन लक्ष्मी 28 साल और दिनेश का 8 दिन पहले पैदा होने वाला बच्चा मलबे में दब गए। रियासती डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी SDRF की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 अफराद को मलबे से निकाला। उन्होंने बताया कि लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली अपनी मेगा रैली के सिलसिले में आज मुल्क भर में 22 मुकामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस जराये ने जानकारी देते हुए बताया कि उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से पार्टी महंगाई के खिलाफ अवाम में बेदारी पैदा करेगी और उन्हें इस अजीम रैली में शिरकत की दावत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दिल्ली रियासती दफ्तर में पार्टी के कौमी तर्जुमान गौरव बल्लभ, देहरादून में अलकलाम्बा, गुवाहाटी में महिला कांग्रेस की सरबराह नीटा डिसवसुआ, लखनऊ में सुप्रिया शिरनेट, कलकत्ता में डॉक्टर अजय कुमार, जयपुर में जितिया पटवारी, मुंबई में पवन खेड़ा, पटना में अखिलेश प्रताप सिंह, शिमला में अभय दुबे, रायपुर में रागनी नायक के साथ ही मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के राजधानी में कांग्रेस के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छलजत पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 मकानात में नमाज की अदायगी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में छजलत पुलिस ने जुमला 26 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 24 अगस्त को गाँव के लोग अनवरा और मुस्तकीम के घर जमा हुए और नमाज अदा की, जिस पर दूसरे तबके के अफराद ने शदीद एहतजाज किया। गाँव वालों का कहना है कि पहले यहाँ जो मुआहदा हुआ था इसके खिलाफ वर्जी की गई है। पुलिस ने इस मामले में चंद रुपयाल नामी शख्स की शिकायत
پر 26 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جن میں واحد مستقیم شہید ذاکر علی، شیر رمضانی، محمد علی، محمد علی، حنیف شوقین، سلیم نورا اسلم شامل ہیں۔ ایس پی دیہات سندیپ کمار مینا نے کہا کہ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کی گئی ہے، ماحول کو خراب کرنے اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، تحقیقات کی جا رہی ہے اور کارروائی کی جا رہی ہے۔ بہرسر اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا کہ بھارت میں مسلمان گھروں میں بھی نماز نہیں ادا کر سکتے، کیا اب نماز پڑھنے کے لیے بھی حکومت اور پولیس سے اجازت لینی ہوگی؟ نریندر مودی کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ صدر مجلس نے سوال کیا کہ کب تک ملک میں مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جائے گا۔ حجاب کیس، حکومت کرناٹک کو سپریم کورٹ نے دیا نوٹس۔ حجاب پر پابندی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے کرناٹک حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ اب اس معاملے کی سماعت 5 ستمبر کو کرے گا۔ درحقیقت پیر کو سپریم کورٹ حجاب پر پابندی کو برقرار رکھنے کے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ سپریم کورٹ نے ریاست میں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی ہٹانے سے انکار کرنے والے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی پر پیر کو ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگانے کی درخواست پر نوٹس جاری کیا، جبکہ کرناٹک ہائی کورٹ نے پابندی برقرار رکھی۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی بینچ نے درخواستوں پر ریاست کو نوٹس جاری کیا۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت 5 ستمبر 2022 کو ہوگی۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، سابریز عمر انکلیف سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9995902386 9995902386 9585280294938546 25. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.